आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीपीगंज स्थित बापू इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। लखनऊ से वर्चुअल जुड़े रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रभारी मंत्री ने कहा, महिलाओं के सम्मान से बढ़ती है धन संपदा। गोला थाना क्षेत्र के चाड़ी गांव में चुनावी पार्टी के बाद चली गोली, एक घायल, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। एसपी साउथ ने कहा, जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वामा सारथी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यशाला। ताइक्वांडो ट्रेनर्स के द्वारा महिला आरक्षियों को आत्मरक्षा की दी गई ट्रेनिंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला साइबर क्राइम सेल की गई स्थापना। एसआई सुनीता सिंह ने कहा, महिला साइबर जैसी घटनाओं का किया जाएगा निराकरण। नशे की हालत में मिले 3 नाबालिग बच्चों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पुलिस ने कराया मुक्त। भीख मांगने व कबाड़ बीनने का काम करने वाले बच्चों को नशे के लिए बेचा जाता था सोल्यूशन का ट्यूब, एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कुलपति ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान के प्रति किया जागरूक। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए जारी किए गए आरक्षण की सूची पर सोमवार तक जिला मुख्यालय पर प्राप्त हुए कुल 499 आपत्ति। डीपीआरओ ने कहा, 10 और 11 मार्च को आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 को जारी की जाएगी अंतिम सूची। काशी की गंगा आरती की तर्ज पर अब प्रत्येक मंगलवार को जिले के राप्ती तट पर नव निर्मित गोरक्षनाथ घाट पर भी होगा राप्ती आरती। महापौर ने कहा, मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्रत्येक मंगलवार को होगी राप्ती आरती। समिति हुई गठित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बुजुर्ग महिलाओं को लगाया गया कोरोना का टीका, बनाया गया था अलग से पिंक बूथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम में महिलाओं को किया गया सम्मानित। महापौर ने कहा, महिला कोरोना योद्धाओं, महिला सफाई कर्मियों और महिला पार्षद को किया गया सम्मानित। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष सोनिया शुक्ला के नेतृत्व में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहा, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने का काम करती रहेगी कांग्रेस पार्टी। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,488। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 27 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन पर चलाया चेकिंग अभियान। ठेले और रेडियो वालों के पास से जब्त किए प्रतिबंधित पॉलीथीन। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्नेहिल नारी संस्थान के द्वारा महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह को अंगवस्त्र, मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित।